तो गाइस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड में वो किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, या फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपकी गलत हो गई है और आपको ठीक करना है, या फिर किसी भी तरीके से चेंज करनी है और अपना जो एड्रेस है उसे चेंज करना है, तो एक एप्लीकेशन के जरिए आप ये सारा काम कर सकते हैं। और अपना जो प्लास्टिक में अगर अपना आधार कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसी ऐप के जरिए आप वो भी कर सकते हैं। तो एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा मैं आपको जिससे आप ये सारे काम बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में उस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ कि वो उस एप्लीकेशन का क्या नाम है और वो किस तरीके से काम करती है। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाई स्टेप समझाता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हमें सीधे जाना है अपने प्ले स्टोर में और यहाँ पर हमें आगे सर्च करना है एम आधार ADH, ये आ गया। देखिए एम आधार, इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर हमें इसे इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने देते हैं। गाइज हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल डाउनलोड हो गई है और इंस्टॉल भी हो गई है। तो चलिए वो करते हैं हम ओपन। अब तो हमने ओपन कर दिया है और इसको सारी परमिशन को हमें अलाउ कर देना है और ये इस तरीके का आएगा। हमें इस तरीके से स्वाइप अप करना है और यहाँ से गेट स्टार्टेड पे ओके कर देना है। तो यहाँ आने के बाद हमें कुछ ऊपर इस तरीके से करना है और आई कंसेंट एंड पे ओके कर देना है। और ये आई कंसेंट पर ओके करने के बाद हमें अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। यहाँ पर अपना आधार से जो नंबर रजिस्टर है वो डाल देता हूँ और यहाँ OTP आ गया है तो मैं इसे OTP को भी भर देता हूँ जो आपके आधार से लिंक नंबर है उस पर आ जाएगा। फिर यहाँ से अपना जो आधार कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी जो EID या UID जो होती है आप उसको भी जनरेट कर सकते हैं और अपना आधार जो PVC में उसमें भी ऑर्डर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, अपने ईमेल फ़ोन नंबर उसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, जनरेट वर्चुअल ID भी बना सकते हैं। सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो रजिस्टर में आधार लिख कर रहा है आपको यहाँ अपना ओके करना होगा और अपना आधार जो है रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है 4 अंकों का हमें कोई पासवर्ड सेट करना है। तो चलिए हम 4 अंकों का अपना एक पासवर्ड सेट कर देते हैं। फिर यहाँ अपना जो इंटर आधार नंबर मांग रहा है तो हमें यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और फिर यहाँ पर जो कैप्चा आ रहा है वो हमें फिल करना है। तो चलिए हम अपना आधार नंबर यहाँ भर देते हैं और यहाँ पर जो OTP आ गया है देखिए तो हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। OTP डालकर हम इसे वेरीफाई कर देंगे। तो ये वेरीफाई हो गया है, देखिए हमारा आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड हो गया है। आप इस आधार कार्ड कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी को अपना आधार कार्ड दिखाना है तो आप यहाँ से अपना आधार कार्ड उसे दिखा सकते हैं और आप अपना काम करवा सकते हैं जहाँ पर भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। और आप चाहें तो और भी एक और आधार ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ प्लस करके यहाँ पर एक और आधार ऐड करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए यहाँ पर अपना एंटर और आधार नंबर डालते हैं और अपना कैप्चा डाल के और रिक्वेस्ट OTP ओके करते हैं और हम आपको दूसरा आधार कार्ड इसमें एक और ऐड करके दिखाता हूँ। तो चलिए ये देखिए ये हो गए 2 आधार। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं अपना जो आधार कार्ड है उसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं और उसमें अपना जो भी अपडेट करना है आप वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। ये देखिए आप जो लिख के आ रहा है अपडेट आधार अपडेट, आपको इसी पे क्लिक करना है और अपनी जो भी आधार में अपडेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ आप इसमें अपडेट कर सकते। तो अब हम अपना इसमें अपना जो OTP डाल देते हैं यहाँ से और वेरीफाई कर देते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। ये हमने कर दिया। अब यहाँ से हम कुछ भी अपना जो इसमें अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिख के आ रहा है यू विल बी चेंज 50 फॉर द अपडेट ट्रांजेक्शन, मतलब हमें 50 रुपये देने होंगे कुछ भी चेंज करने के लिए। चलिए यहाँ पर एड्रेस करके देखते हैं, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हम भर देते हैं और चेंज करके देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको भरना है ठीक से, जो भी आप अपना डालना चाहते हो वो भी अपना सारी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्टली भर दें और फिर यहाँ पर ओके कर दें। फिर ये जो आई कन्फर्म लिख के आ रहा है इस पर टिक करके हमें और नेक्स्ट ओके करना है। फिर यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है हमें, एड्रेस में जो चेंज कराया है हमने उसके लिए कोई भी हमें अपना डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा। आप इसमें से कोई सा भी अपना डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लिस्ट आ गई है हमारे पास, इसमें से आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। आप बस जो भी हो आप इसमें से अपना जो भी ऑप्शन है उसे चूज़ कर लीजिए और अपना वो सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ से अपना बैंक स्टेटमेंट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड
डॉक्यूमेंट्स कर देता हूँ। तो चलिए मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो ये मैंने यहाँ से कर दिया है, तो यहाँ हमें टिक करना है और फिर नेक्स्ट पे ओके कर देना है। और फिर एक OTP जो कैप्चा आ रहा है उसको डालने के बाद एक OTP फिर से आएगा, हम उसको फिल कर देना है और वेरीफाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया है हमारे पास अब पेमेंट का ऑप्शन। तो मेक पेमेंट पे ओके करके हमें 50 रुपये देने होंगे। तो 50 रुपये आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर बॉल। पेमेंट करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद आपका डेटा है वो अपडेट हो जाएगा अपने आपके आधार कार्ड में, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो 2-3 दिन के अंदर अपडेट हो जाए। और इसी तरीके से आपको इसमें सब कुछ चेंज करना है। आपको मैंने आप बता ही दिया है कि आपको किस तरीके से करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें।